स्कूल यूनिफॉर्म चाहे वो पैंट हो या फिर स्कर्ट, किसी को भी नहीं फेंकेंगे। जी हाँ, नया सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो बच्चों के नई यूनिफॉर्म तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ इन पुरानी जो यूनिफॉर्म्स होती है उनको भी आप बिना फेंके बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे बेटे को छोटी हो गई है और अब मैं इससे बनाऊंगी एक ऐसी चीज़ जिसमें उनके सारे कपड़े आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत सिंपल होने वाला है और साथ ही साथ बहुत यूज़फुल भी होने वाला है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर जितना मैक्सिमम आप कपड़ा निकाल सकते हैं उतना निकाल लीजिए। तो यहाँ से मैं इसको पूरा एक बराबर कट कर लूँगी। तो ये देखिए, दोनों पोर्शन मैंने बराबर से कट कर लिए हैं। अब इनको भी खोल लेते हैं। सबसे पहले एक पीस को लेंगे और उसके ऊपर एक साइड से आपको सिलाई को खोलना है ताकि मैक्सिमम कपड़ा हम इसका निकाल सकें। अब जितना चौड़ा चाहिए उतना निशान लगा लीजिए और इसको कट कर लीजिए। तो ये देखिए, एक पीस हो गया पूरा रेडी। दूसरे पीस को भी सेम इसी नाप का बना लेंगे। कपड़े को उल्टा कर लीजिए और अब हम इसे करेंगे बीच से जॉइंट। तो जो बॉटम वाला हिस्सा है पैंट का उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम कर लेंगे जॉइंट। तो ये देखिए, यहाँ से आपको सिलाई करनी है, एक सिलाई यहाँ पर, उसके बाद पूरा एक लंबा सिलाई पूरे कपड़े में ऐसे फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई करनी, एक सिलाई यहाँ पे होगी और दूसरी सिलाई यहाँ पे होगी। तो बस तीन सिलाई आपको करनी है इसमें। दोनों साइड से मैंने सिलाई कर दी और बीच से भी इसको कर दिया है ज्वाइंट। और यहाँ पे मैंने सिलाई करी है, सिलने के बाद इसको इसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर दिया कपड़े को दबा करके, ताकि जो कपड़ा आपका है ना वो पूरा बैठ जाए और कहीं से भी धागा कपड़े का ना दिखे। तो ये एक लंबा सा रेक्टेंगल पीस हो गया है रेडी। अब इस पीस को हम और अच्छा सा बनाएंगे ताकि हम उसको फुल यूटिलाइज कर सकें। तो देखिए, सेंटर पे कपड़े को जहाँ से ज्वाइन करा है इसको ऐसे यहाँ पर आपको निशान लगाना है। अब आपको जितना चौड़ा ऑर्गेनाइजर बनाना है आप उतना निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर भी सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कपड़े का टुकड़ा, क्योंकि इसमें कपड़ा कम पड़ा था तो कुछ मिलता जुलता मैंने कपड़ा लिया है। और इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है इसकी 15 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब कपड़े को इस तरीके से रखना है, ये देखिए, कपड़े को ऐसे रखेंगे और यहाँ से जो हमने निशान लगाए थे ना सेंटर पर निशान लगा करके, आपको सिर्फ एक तरफ ऐसे ज्वाइन करना है। यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करा, फिर इसको कपड़ा आपने जितना लंबा रखा है वहाँ से इसको एक पकड़ करके कपड़े का छोर इस तरीके से सिलना है और दूसरे तरफ से भी इसको ऐसे पूरा सिलना है। तो ये देखिए, एक तरफ ये ऐसा कॉर्नर बन जाएगा और इसमें ना आप जितने भी कपड़े रखेंगे ये बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, कहीं से भी नहीं गिरेंगे। तो मैं इसको सिर्फ एक साइड ही ज्वाइन करूँगी कपड़े को। और अब आपको लेना है हैंगर, तो हैंगर को इस तरीके से रखना है। देखिए, बॉटम तो ऑलरेडी स्टिच है तो बस आपको ऐसे फोल्ड करके बस इसके ऊपर सिलाई करनी है। सेम दूसरे साइड से भी इसको ऐसे कर लेंगे और इसको कर लेंगे पूरा ज्वाइंट, तो आपका ऑर्गेनाइजर हो जाएगा रेडी। तो इसको कर लेते हैं ज्वाइंट, फिर कर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक।
तो ये देखिए सिंपल स्मार्ट सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र रेडी है और इसमें आपके कपड़े पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगे। ना तो इसमें आपको फोम लगाने की ज़रूरत है, ना ही अस्तर, ना ही कोई लाइनिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि पैंट का कपड़ा काफ़ी मजबूत होता है। बस पहले दो हैंगर लिए और उसको कर लिया है जॉइंट और बैक से मैंने ये सपोर्ट दिया है ताकि आपके कपड़े बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि इससे पहले ऑर्गेनाइज़र जो बनाया था लोगों ने कमेंट करा था कि अगर ये गिर जाएंगे तो इस तरीके से आप इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र को फुल यूज़ कर सकते हैं, पीछे से आपके कपड़े बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर जितना चौड़ा है 8 इंच का, उतना चौड़ा आप कोई भी कार्डबोर्ड लगा लें तो ये प्रॉपर आपका जैसे रेडीमेड स्टाइल ऑर्गेनाइज़र होता है ना, सेम वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कार्डबोर्ड लगाया है लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा, आप प्रॉपर पूरा लगाइएगा। और ये देखिए कपड़े जितने मर्जी है उतने रखिए, और इसकी हाइट जो मैंने कपड़ा बैक साइड लगाया है उसकी हाइट आप पूरा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पैंट के टुकड़े से बन जाता है ये इतना स्मार्ट सा ऑर्गेनाइज़र और आप इसको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे कपड़े इसमें स्टोर हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप अपनी अलमारी में रखेंगे तो आपको निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं ऐसा, तो वो कपड़े सारे आपको दिखते हैं और बैक साइड जो सपोर्ट लगा है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना ही पीछे से निकलेंगे। तो फुल यूज़ करिए, बेकार पुराने कपड़े से बनाइए अपने लिए महंगा सा ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि अमेज़ॉन में मैंने देखा था ये बहुत महंगे मिलते हैं, आप इसको बना सकते हैं फ्री में, वो भी बिना किसी झंझट के। ना तो इसमें चेन लगाने का झंझट है, ना ही फोम, ना ही लाइनिंग। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म का फुल यूज़ हो चुका है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नया सेशन आता है आपको नए यूनिफॉर्म लेने ही पड़ते हैं। अब इन पुरानी यूनिफॉर्म को या तो आप किसी को दान में दे दें, या फिर जिनको ज़रूरत हो आप उनको भी दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। तीनों ही तरीके से आप फुल यूज़ करिए, किसी ना किसी के काम आएगा, अपने काम में लाइए या फिर दूसरों के काम में। यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बेवजह फेंकने से बेहतर है कि हम इसे यूज़ करें। तो कैसा लगा आज का ये सिंपल सा आइडिया, आपके बहुत काम आने वाला है, अपने अकॉर्डिंग भी इसको आप बना सकते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि हर कोई बना सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और इसको शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।